चंद्रपुर जिला पुलिस यातायात विभाग अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सहारे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगी। चंद्रपुर पुलिस की यातायात शाखा अब यातायात को सुचारू रूप से शुरू रखने हेतु अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करेगी और अब अगर कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका पूरा ब्यौरा उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में होगा, जिसमें उस व्यक्ति का लाइसेंस मोबाइल नंबर भी मौजूद रहेगा। और आज एक ऐसी मुहिम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के मार्गदर्शन में चलाई गई और इस समय यातायात पुलिस निरीक्षक के साथ पुलिस विभाग के यातायात कर्मी भी मौजूद थे। इस संबंध में जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी। आज पूरा महाराष्ट्र में ई चालान फैसिलिटी शुरू किए कर रहे और इसी मुताबिक आज चंद्रपुर जिला में ई चालान का फैसिलिटी आज शुरू किया है। इस ई चालान का फैसिलिटी में जो इससे पहले जो पौधी काटते थे आप पौधी का फैसिलिटी नहीं देते हुए एक मशीन दिया गया, उस मशीन से अपन उसका जितने भी उसे वायलेशन किया उस वायलेशन का फाइन कलेक्ट किया करते। इस मशीन का द्वारा मतलब जितने गाड़ी का डिटेल्स है, गाड़ी का फोटो भी तीन फोटो लिया जा सकते, गाड़ी का कौन चला रहा है उसका भी फोटो, गाड़ी का फोटो और गाड़ी का नंबर का भी फोटो हमारे पास फीड रहते और उसके साथ कभी इसके बाद उसके साथ हम उसका लाइसेंस भी उसका लाइसेंस नंबर भी हम इस गाड़ी में फीड करते इस मशीन में और कभी भी इसके बाद में कभी उसने वापस रिपीट ऑफेंस किया है वो सारे हमारे पास ऑनलाइन बेस रहने की वजह से उसका बाद में इसके पहले कभी कितने उसने ऐसा वायलेशन किया है ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास रह सकते। और कभी किसी ने मतलब वहाँ पे हमें पुलिस को नहीं मिलते हुए आगे चले गए वो भी इंफॉर्मेशन हमारा फीड करके रखते हैं, जब वो आदमी मिल जाएंगे तब उसके ऊपर जो पुरानी फाइन है वो भी उसके पास से हम कलेक्ट कर सकते और इसके वजह से उसमें मोबाइल नंबर भी जो आदमी वायलेशन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर भी इसमें फीड करने का ऑप्शन है। इसके वजह से मतलब उसका मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएंगे आपने कितना उसने फाइन भरा और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कुछ कुछ लोगों के मन में है ये सच में उसमें सरकार में जमा हो रहा है कि ट्रेजरी में जमा हो रहा है कि नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएंगी और 100% जो भी कर रहे कायदा लीगली कर रहे हैं ये सब लोगों को समझ में आ जाएगी। अब देखना यह है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यह मशीन कितना कारगर साबित होती है।